नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आज मैं घोसी विधानसभा में हूं और यहां उपचुनाव है जो 5 तारीख को होगा। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर जी हैं। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से घोसी की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि राजभर को टिकट क्यों नहीं दिया सपा यहाँ से? देखिए, ऐसा है, चर्चा तो हुई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाह रहे थे, लेकिन अब किसी विशेष परिस्थितियों में टिकट नहीं हो पाने का कारण है, क्योंकि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज को 20 टिकट दिया था, जिसमें श्री कमलाकांत उर्फ पप्पू राजभर दीदारगंज आजमगढ़ और मुझे स्वयं अकबरपुर विधानसभा में बैठ कर मिला। बाकी 18 टिकट जिसने समझौता किया था सुभाषपा पार्टी को दिए थे, और हम 2 जीते और 18 में वो 1 जीते। और जो 18 टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, तो जिस साथी को दिया था सुभाषपा ने, कितने राजभरों को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, क्योंकि बाई इलेक्शन है, तो बाई इलेक्शन में जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है ठाकुर सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जिस तरह 2022 में सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के लोग बड़े पैमाने पर साइकिल पे बटन दबाकर विधायक गणों को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किए हैं, आने वाला 2024 में निश्चित तौर पे राजभर समाज को लोकसभा का टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देने का काम करेंगे। आप एक बात बोले कि मैं और पप्पू जी को टिकट मिला था, तो आप तो किसी भी पार्टी में जाते तो आपकी जीत लगभग निश्चित थी, उसके बाद किसको टिकट दिया समाजवादी ने? नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो तो निश्चित था हम चाहे जहाँ जाते, लेकिन उसके बाद भी तो सुभाषपा पार्टी को तो 18 टिकट तो दिए ना श्री अखिलेश यादव जी, तो 18 टिकट में जिसको दिए उसने कह राजभर को लड़ा। सवाल यहाँ ये है, तो बोलते हैं कि हमको ठगा गया, खुद समाजवादी के लोग ही प्रत्याशी बन गए थे। लेकिन ये तो उनकी भूल है, पूरा प्रदेश देश जान रहा है कि किस बेसिस पे उन्होंने टिकट राजभर समाज को नहीं दिए और टिकट किनको किनको दिए, वो कैसे दिए हैं पूरा प्रदेश जानता है, पूरा पूर्वांचल जानता है। और उन्होंने खुद मतलब समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया है। अभी ओपी राजभर जी का बयान आया था कि मैं ऐसा फिर भेज दूंगा। अब देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अमर्यादित टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी विधायक हैं और पूरी दुनिया में श्री अखिलेश यादव का परिवार राजनीति में नंबर 1 पे था। कई बार पेपरों में, मीडिया में बड़े पैमाने पर आया था कि अगर कोई पॉलिटिकल घराना पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है तो वो श्री अखिलेश यादव जी का। तो ये कहना कहीं कहीं ये दर्शाता है कि वो खींच कर एलर्जी बस इस तरह का जो वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब जो भी बोले हैं कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, यादव इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो इसमें ये कहना है, मैंने पहले कह दिया कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, किसी व्यक्ति को किसी के समाज के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल व्यक्ति राजभर समाज पे टिप्पणी करे तो राजभर समाज के ऊपर क्या गुजरेगा? तो आज यादवों के ऊपर क्या गुजर रहा, लेकिन तब भी बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ यादव वर्ग को, सहनशीलता, धैर्य, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वाक का प्रयोग किया है
तो वो उनका ही नुकसान करेगा, यादव समाज का थोड़ा करेगा। कल ओपी राजभर जी के बेटे जो अरविंद राजभर हैं वो बयान देते हैं इंदारा में कि हमको मारने की धमकी मिलती है और खास करके यादव वर्ग के लोग फोन करके गाली देते हैं, इसमें कुछ है? देखिए ऐसा है, वो केवल एक समाज में श्रेय लेने के लिए वोट का, समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें तमाम कर रहे हैं। अब आज तो लोग मतलब गनर चल रहे हैं, उनके बाद स्कोर चल रहा है, और क्यों कोई धमकी देगा? कोई किसी से व्यक्तिगत तो दुश्मनी है नहीं, वो धमकी देगा? ये तो राजनीति में तो इस तरह बात करके लोग अपनी तरफ जनता को आकर्षित करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों को जनता भविष्य में पनाह नहीं देगी। अभी उपचुनाव हो रहा है, इसमें राजभर समाज क्या सोच की समाजवादी को उठ कर? देखिए राजभर समाज सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज भी ठगा महसूस कर रहा है कि अभी 2022 में सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री दारा सिंह को अपना वोट देकर चुनाव जिताने का काम किया था। आज जो वर्डन चुनाव का जो सर्व समाज के ऊपर पड़ रहा है, ये न समाजवादी पार्टी का दोष है, किसी का दोष नहीं। अगर दोष है तो श्री दारा सिंह चौहान का है, क्योंकि वो निजी स्वार्थ में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिए और सदस्य विधानसभा से भी इस्तीफा देकर फिर वो चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आए हैं। क्या ज़रूरत थी भाई 17-18 महीने? अगर आपको चुनाव ही लड़ना था, विधायक ही बनना था, तो इस्तीफा क्या देना? उनका तो ख्वाब था कि हमें लोकसभा में भेजेंगे या हमें मंत्री बनाएंगे, लेकिन आज जो है घोसी की महान जनता आक्रोशित है और वो एक तीर से दो निशाने करेगी। एक तो दारा सिंह चौहान को हराने का काम करेगी, और साथ ही साथ इस रिजल्ट से 2024 के भी रिजल्ट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आने वाला 2024 पूरे देश में ऐसा माहौल बन रहा है इंडिया के प्रति, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव का माने बहुत दूर तक लगाया जा सकता है, और इंडिया यानी 2024 में इनका जो है केंद्र से सफाया होगा, क्योंकि आज जनता बड़े पैमाने पर महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और इनके जो शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के जितना वादा किए हैं आज तक वो वादे पे खरे नहीं उतरे, चाहे प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात रही हो, चाहे 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में देने की बात रही हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात रही हो, चाहे पढ़े लिखे भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने की बात रही हो, तो आज और हर च महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था पूरा ध्वस्त है, तो चारों तरफ हर बिंदु पे हर मौके पर जो है भारतीय जनता पार्टी फेलियर घोषित हो चुकी है। आखिरी सवाल हमारा ये कि आप यहाँ के प्रभारी हैं, माना जाए कि 2000 जो लोकसभा चुनाव आएगा 2024 में, कितने राजभर टिकट पाएंगे समाजवादी से? अब देखिए भाई कितने नहीं, टिकट तो निश्चित लोकसभा का मिलेगा, और जो सीट जीतने लायक होगी और जो हमारे भाई चुनाव लड़ने लायक होंगे तो उनके लिए प्रयास करेंगे कि लोकसभा का टिकट जरूर मिले। ठीक है, ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचंद्र राजभर जी, अब हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।